कारण वो जंगल का राजा है, एटीट्यूड के कारण। तो हम आगे बढ़ते हैं, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एटीट्यूड ही सब कुछ है, एटीट्यूड ही सब कुछ है, एटीट्यूड ही सब कुछ है। योर एटीट्यूड डिटरमाइन योर डायरेक्शन, योर एटीट्यूड डिटरमाइन योर डायरेक्शन, योर एटीट्यूड डिटरमाइन योर डायरेक्शन। आपका एटीट्यूड ही आपका दिशा को निर्धारित करता है। हमारा आपको एटीट्यूड, अगर आपका एटीट्यूड ही आपको किंग बना सकता है, आपका एटीट्यूड ही आपको किंग बना सकता है। अगर आपको राजा बनना है, अगर आपको हमारे देश के यूथ को राजा बनना है, अगर अमीर बनना है, अगर बहुत कुछ करना है, अगर आपको डीएक्सएल में क्राउन एम्बेसडर बनना है, आपको एटीट्यूड को सही करना पड़ेगा। एटीट्यूड आपको नजरिया को सही करना पड़ेगा। जब तक आप एटीट्यूड को आप सही नहीं करेंगे, आप किंग नहीं बनेंगे। लायन क्यों किंग है? क्योंकि उसका एटीट्यूड सही है। उसी तरह से हम सभी यंगस्टर को, हम सभी लोगों को किंग तभी बन सकते हैं, हम सभी लोग किंग तभी बन सकते हैं जब तक हमारा एटीट्यूड सही नहीं होगा। हमारा एटीट्यूड को ही सही करना पड़ेगा। हमारा डायरेक्शन को डायरेक्शन को सही करने के लिए एटीट्यूड को सही करना पड़ेगा। हमारा देश के युवा अभी क्या जा रहा है, हमारे देश के युवा सभी पढ़ लिख करके क्या सीधा सोचता है, जॉब करें जॉब करें जॉब करें जॉब करें जॉब करें जॉब करें जॉब करें। लेकिन आपको हम बता दें, जॉब करना इतना आसान नहीं है। अगर आपको देखेंगे, इसी के लिए हम आपको, आप सभी लोगों को हमारा टॉपिक आज इस पे बात करने वाले हैं, आपको किंग, व्हाई यूथ आर ज्वाइनिंग द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, व्हाई यूथ आर ज्वाइनिंग द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, युवा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। आने वाला समय में अभी और ज्वाइन करेंगे तेजी से। अभी तो युवाओं को समझ में ही आया है नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द मोस्ट रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे आदरणीय प्रोफेशन ही प्रोफेशन है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। जिस तरह से डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना एक तरह का प्रोफेशन है ना, उस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है ना, एक तरह का प्रोफेशन बनना, दुनिया में सबसे बड़ा मोस्ट सबसे आदरणीय प्रोफेशन एक नेटवर्कर बनना है। ये मेरा समझ में आ गया था 2015 में जब मैंने, आप कुछ सोचिए, मेरे जैसा आदमी 16 घंटा 18 घंटा पढ़ करके आईआईटी को पास किया, ऑल ओवर इंडिया में एक अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई किया, रात को पढ़ता था, दिन को, रात को भी पढ़ता था, दिन भर भी पढ़ता था, पागल के जैसा पढ़ता था, ऑल ओवर इंडिया में एक अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई किया, एक अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई किया। उसके बाद भी मैंने जब डीएक्सएन 100% समझ में आ गया तो आईआईटी को ना जाने का निर्णय लेकर के मैंने डीएक्सएन को फुल टाइम चुना, फुल टाइम चुना। आज हम आपको बताएंगे आप क्यों, कैसे आप निर्णय ले सकते हैं डीएक्सएन को, आप अपना डीएक्सएन को आप अपना एक कैसे कैरियर चुन सकते हैं। क्योंकि हमें मेरे गुरुजी के द्वारा, मेरे गुरु माता पिता सुरेंद्र सर धर्मशिला मैम के लिए फिर हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, उनके द्वारा हमें बहुत सारी चीजें, जब मैंने उनसे पहली बार मिला 2015 में तो हमें बताए पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जो मैंने कभी इंजीनियरिंग पढ़ने के, इंजीनियरिंग की तैयारी करने के समय में जो मैंने चीजें नहीं सीखा, वही ने मैंने 5 बरस के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सीखा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है, आपको ऐसा बना देगा सभी तरीके से, फिजिकली तरीके से, मेंटली तरीके से, सोशली तरीके से, इकोनॉमिकल तरीके से, सभी तरीके से आपको फिट बनाने वाला है। मैंने 5 वर्षों में हमें बनाया है, मेरे पास आज सब कुछ है, सभी तरीके से हमें यहां सब कुछ तक मिला है। इसी के लिए बात करने वाले हैं। यूथ, यूथ के अंदर वो फायर है, वो आग है,
चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकते आपके अंदर में? इसी के लिए जब मैं कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? जब मैंने डीएक्सएन को ज्वाइन किया था 2015 में, तो मेरे शहर में, मेरे एरिया में मेरे जैसा कोई लड़का दिखता नहीं था, लेकिन मैंने जब डीएक्सएन को सक्सेस हुआ, आज मेरे इलाके में, मेरे एरिया में आज कई है। आप ये खुद इमेजिन कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, एक ग्राफ दिखाते हैं हम आपको, वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 के अभी करंट अनुसार 7.8 बिलियन पॉपुलेशन है पूरे दुनिया का, यानी लगभग 780 करोड़। उसमें से मोर देन 42% पीपल्स आर यूथ। उसमें से विश्व के पॉपुलेशन में 42% से ज्यादा युवा है। विश्व की जनसंख्या में 42% से ज्यादा युवा है, जिसका उम्र जो है 15 वर्ष से 24 वर्ष के उम्र में, 15 से 24 वर्ष के उम्र के लोग हैं, जिसकी संख्या 42% है पूरे दुनिया की आबादी का। सबसे पहले नंबर पे अगर जनसंख्या देखे तो चाइना का है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, उसके बाद सभी देश है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 2019, यूथ नंबर 1.2 मिलियन पर्सन बिटवीन एज 15 एंड 24 ईयर्स। पूरे विश्व में 15 से 24 वर्ष के लगभग 1.2 बिलियन आदमी पर्सन है, यानी लगभग 120 करोड़ जो है 15 से 24 वर्ष के लोग हैं। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, इतने बड़ा यूथ। द ग्लोबल यूथ पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू पिक द नियर बाय 1.4 बिलियन पर्सन अराउंड 2065। और ये आंकड़ा है कि 2065 आते आते 1.4 बिलियन हो जाएगा, 2050 आते आते ये तो 62% के साथ इंक्रीज करेगा। उसके साथ अगर भारत की आबादी अगर देखा जाए, तो आपको तो मालूम है भारत की आधा से ज्यादा आबादी युवाओं का है। भारत की आबादी अगर देखा जाए तो भारत का जितना जनसंख्या है, उस जनसंख्या का आधा से ज्यादा, भारत का आबादी का आधा से ज्यादा जनसंख्या जो है वो युवाओं का है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा इंडिया में, सबसे ज्यादा यंग आदमी यहां है। लगभग अगर देखा जाए तो 26 वर्ष के नीचे के लोग इंडिया में 60% लोग, 60% आबादी हमारा 26 वर्ष के नीचे भारत में, 60% से ज्यादा आबादी भारत का 26 वर्ष के नीचे के उम्र के लोग। इतना बड़ा आबादी, उसमें से अगर 25 वर्ष के नीचे स्टूडेंट को अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन को अगर देखेंगे, 1.2 बिलियन यूथ बिटवीन एज 15 टू 20 ईयर वर्स, एक 1.2 बिलियन यानी 120 करोड़ युवा जो है 15 वर्ष से 24 वर्ष के लोग है। यूनाइटेड नेशन के अनुसार 120 करोड़ युवा जिसका उम्र 15 से 24 वर्ष है और वो विद्यार्थी है। किसी लोगों को अभी देखिए, बहुत ही तेजी से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में विद्यार्थी लोगों को भी जुड़ना तेजी से हुआ है, लेकिन कुछ लोग विद्यार्थी अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में जब हम बताने के लिए जाते हैं, या आप लोगों को भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताने जाते हैं, तो सबसे ज्यादा हम भी अभी जब बताने जाते हैं ना स्टूडेंट को, पढ़ने वाले लोगों को, तो सब आप भी बताने जाते हैं तो एक ही क्वेश्चन वो आता होगा, एक ही जवाब देता है वो, जब आप क्वेश्चन करते नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं तो एक ही जवाब आता है, मेरे पास समय नहीं, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है।
सच में ये समस्या है या सिर्फ एक बहाना है, ये प्रॉब्लम है या एक्सक्यूज है, अभी तक हमको समझ में नहीं आया। ये ओनली ये सिर्फ प्रॉब्लम है या एक्सक्यूज है, समझ में नहीं आया। किसी को भी बताइएगा, लेकिन उसमें तो सभी लोग ने, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ही टीम में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बीई की डिग्री लेने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद भी मेरे टीम में वो हमसे मेरे मीटिंग सुनने के बाद वो इंजीनियरिंग छोड़ करके वो डीएक्सएल में आया, 50,000 आज इनकम ले रहा है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट है जो अब सीधा बोलता है मेरे पास समय नहीं है। सच में ये समस्या है या सिर्फ एक बहाना है, हमें समझ, कुछ आप कुछ सोच सकते हैं, ये प्रॉब्लम है या एक्सक्यूज है। आपको हम बता दें, पढ़ते पढ़ते व्हाट्सएप चलाया जा सकता है, पढ़ते पढ़ते फेसबुक हो सकता है, पढ़ते पढ़ते इंस्टा पे बढ़िया बढ़िया फोटो पोस्ट हो सकता है, पढ़ते पढ़ते ट्विटर पे अच्छा अच्छा मैसेज भेजाया जा सकता है, पढ़ते पढ़ते यूट्यूब पे आधा घंटा वीडियो देखा जा सकता है, पढ़ते पढ़ते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, पढ़ते पढ़ते एक आध घंटा फोन पे बात हो सकता है, पढ़ते पढ़ते एक आध घंटा सोया जा सकता है, पढ़ते पढ़ते आराम किया जा सकता है। तो यार पढ़ते पढ़ते नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं हो सकता, व्हाट इज द प्रॉब्लम? जब समय निकाल करके ही ना व्हाट्सअप करते हैं, समय निकाल करके ना एक घंटा व्हाट्सअप फेसबुक पे जाते हैं, इंस्टा पे फोटो डालते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, समय निकाल करके ना ये सब होता है, स्टूडेंट एक घंटा बात होता है। जब पढ़ते पढ़ते व्हाट्सएप हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, इंस्टा पे अच्छा अच्छा फोटो डला सकता है, यूट्यूब पे जा सकता है, तो पढ़ते पढ़ते नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं हो सकता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप खुद इमेजिन करिए। तो आप ये बताइए एक्सक्यूज है या प्रॉब्लम है, ये बहाना है या समस्या है? मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, इसको एक्सक्यूज मानेंगे या समस्या मानेंगे? लेकिन उसी में से कुछ हमें मालूम है, हर सप्ताह हर विद्यार्थी सप्ताह में 8 से 10 घंटा व्हाट्सएप पे फेसबुक पे इंस्टा पे यूट्यूब पे इधर उधर समय बर्बाद करता है। उसी समय को अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे अगर दे दिया जाए तो विद इन 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर में वो मिलेनियर मल्टी मिलेनियर बना जा सकता है। और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने समय दिया है जिसके कारण से आज वो एक अच्छा इनकम ले रहा है। मैंने भी आपको देखा, मैं हमको आपको देखिए, मैं भी एक स्टूडेंट लाइफ में डीएक्सएन को शुरू किया, मैंने एक बरस में डीएक्सएन में मिलेनियर बन गया, आज मेरे पास लाखों का इनकम है, एक नहीं दो दो कार, हर 2 बरस के बाद एक कार चेंज कर रहे हैं, हर साल विदेश यात्रा क्वालिफाई कर रहे हैं। मेरी टीम में आज हमें देख करके कई यूथ 18 बरस 20 बरस, आप सभी लोग देखे होंगे, मेरी टीम से 6 मिलेनियर्स हैं, मेरी टीम में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख कमाने वाले कई लोग हैं, मेरी टीम में 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 कमाने वाले कई लोग हैं जिसको मैंने ट्रेंड किया। अगर मैंने IIT में गया होता तो 6 लाख 7 लाख 8 लाख का पैकेज लेकर के बॉस का गुलामी करते हुए रहता, लेकिन मैंने सही समय पे सही डिसीजन लिया, IIT को ना जाकर के IIT को ड्रॉप आउट किया और DXN को सही समय पे सही डिसीजन लेकर के मैंने अपने अपलाइन को, अपने गुरु माता पिता को, उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके, उन्होंने जैसे जैसे हमें बताया वैसे उसे करते गए, आज भी जो बताते हैं उन सभी चीजों को फॉलो करते गए और आज इस मुकाम पे। आप खुद सोचिए, जब बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब बहुत सारे स्टूडेंट लाइफ में, जब उन्हें बहुत सारे, आप हमें सुन रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो आज सुन रहे होंगे इस चीजों, हमारे इस ट्रेनिंग सेशन को, जब स्टूडेंट, बहुत सारे लोगों ने, स्टूडेंट ने, स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने अपने जिंदगी को बदला है, लाखों रुपए अर्निंग कर रहे अपने जीवन में, वो बहुत सारी चीजें, वो लाइफ फ्रीडम मिल चुका है। आप
अपना जिंदगी बदलना चाहते हैं कि नहीं, निर्णय लेना आपको काम। हमें भी 2012 में मिला था लेकिन नहीं समझ में आया। समझ में आया कब? जब प्रॉब्लम आया 2015 में समझ में आया। अब जब समझ में आ गया तो मैंने आज मेरा समझ में आया था, हमें कुछ करके दिखा। बहुत सारे स्टूडेंट को जब बताया जाता है तो एक और एक्सक्यूज है, यो प्रॉब्लम है हमें समझ में नहीं आता। वो एक्सक्यूज है या प्रॉब्लम है? पैसा नहीं है। स्टूडेंट को जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे तो एक और चीज बोलेंगे, पैसा नहीं है। 10,000 रुपया का मोबाइल फोन लेकर के वो घूम रहे हैं। भैया नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने में 10,000 नहीं लगता, 1,000, 2,000, कभी कभी 500 में भी शुरू कर, कभी कभी क्या, नेटवर्क मार्केटिंग 500 में भी शुरू हो सकता है। 10,000 रुपया का मोबाइल फोन लेकर के चल रहे, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए एक सही माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपने निर्णय ले लिया हमें जिंदगी बदलना है तो आपका जिंदगी बदलेगा। प्लस ये तो स्टूडेंट की कहानी था। सम पीपल्स आर सर्चिंग जॉब, सम पीपल डूइंग जॉब। अब आया जॉब की बारी। ये तो स्टूडेंट लाइफ होता है, स्टूडेंट से फिर आते हैं हम जॉब के ऊपर। सम पीपल सर्चिंग जॉब एंड सम पीपल डूइंग जॉब। कुछ लोग हैं ये भी हैं जो हमें आप सुन रहे हैं, जो हमें मालूम है सारा स्टूडेंट यूथ ही है, और जो अभी जॉब कर रहे बहुत सारे यूथ ऐसे भी हो जॉब में होंगे, और बहुत सारे यूथ ऐसे भी होंगे, युवा ऐसे भी होंगे जो अभी जॉब के खोज रहे होंगे, और कुछ लोग जॉब को कर रहे होंगे। तो खोज रहे होंगे उनके लिए भी हमारा आगे का सेशन है, और जो कर रहे हैं उनके लिए भी हम आगे बताएंगे क्या होने वाला है। सर्च कर रहे हैं उनके लिए क्या होने वाला है, और जो कर रहे हैं भैया उनके लिए आगे वाले आने वाला 10 बरस 5 बरस क्या होने वाला है। सम पीपल सर्चिंग जॉब एंड सम पीपल डूइंग जॉब। कर रहे हैं उनका भविष्य क्या है, और जो खोज रहे हैं उनके क्या होने वाला क्या है। दैट इज द बिग प्रॉब्लम ऑफ द होल वर्ल्ड आफ्टर कोविड 19 पैंडेमिक। कोविड 19 पैंडेमिक के बाद ये पूरे दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया। फर्स्ट प्रॉब्लम इज राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, एंड सेकेंड प्रॉब्लम इज जॉब रिस्क ड्यू टू डाउनफॉल ऑफ इकोनॉमी बिकॉज ऑफ कोविड 19। पहला प्रॉब्लम आया कि बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ा, और दूसरा हुआ क्या, जॉब का खतरा बढ़ गया। यानी कि पहला बेरोजगारी बढ़ा, और दूसरा जॉब का खतरा बढ़ गया। यानी जो जॉब कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं उनके ऊपर भी खतरा बढ़ गया, और जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनको जॉब ना मिलने का खतरा बढ़ गया। दोनों प्रॉब्लम हो गया। इसी के लिए ये मेरा स्लाइड था, सम पीपुल सर्चिंग जॉब एंड सम पीपुल डूइंग जॉब। यानी कुछ लोग जॉब कर रहे हैं और कुछ लोग जॉब खोज रहे हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए। तो ये है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया है अभी दुनिया में। करोड़ों नौकरियां गया, इसे कुछ हम आगे की स्लाइड दिखाएंगे आपको। आपको हम दिखा रहे बिजनेस टुडे का एक रिपोर्ट से। इंडिया में अगर देखा जाए तो ये अप्रैल 2020 का इंडिया टुडे का सर्वे है। इंडिया में 23% अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि अभी ये ज्यादा भी हो, लगभग 27% 30% के ऊपर आ गया है। ये अप्रैल तक का डाटा, या अप्रैल तक है, अभी तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 30% तक ये बेरोजगारी रेट दर आ गया है। ये अप्रैल का डाटा हम दे रहे हैं आपको, ये बिजनेस टुडे का अप्रैल का डाटा है भारत में। जो कि अगर देखा जाए आफ्टर बिफोर लॉकडाउन से पहले भारत में बेरोजगारी दर मात्र 6.3 था, 6-6.5% के बीच में था अनएम्प्लॉयमेंट रहता था। अभी 23% हो गया, और 23 नहीं, इसको आप 30 ही मानिए। उसमें से भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी पौंडीचेरी में 75.8%, तमिलनाडु 49.8%, झारखंड पौंडीचेरी 75%,
तमिलनाडु 49.8%, झारखंड 47.1%, बिहार 46.6%, हरियाणा 43.2%, त्रिपुरा 41%, कर्नाटका 29.8%। आप ये ग्राफ समझ सकते हैं कितना बेरोजगारी दर हमारे देश के अंदर में। अभी क्या लॉकडाउन खत्म हो गया? अभी भी लॉकडाउन जारी है, कोरोना क्राइसिस जारी है। दुनिया में सारा इंडस्ट्री कोलैप्स हो गया लॉकडाउन कोरोना के कारण, चाहे वो होटल एंड टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे रियल इस्टेट हो, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, दुनिया का कोई भी सेक्टर आप लीजिए, सारा सेक्टर कोलैप्स हो गया, सारा कोलैप्स। अप्रैल मई में आप अगर देखेंगे तो अप्रैल मई का डाटा है, अप्रैल मई में एक भी कार नहीं बिका, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कितना घाटा मिल गया, आप कुछ सोच सकते हैं। लेकिन दुनिया में सारा इंडस्ट्री कोलैप्स हो चुका, बहुत सारा इंडस्ट्री तो ठप हो गया, खत्म हो गया, लेकिन दुनिया में एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसका जिसपे असर न तो मंदी का पड़ता है न तो बंदी का पड़ता है, वो इंडस्ट्री दुनिया में एक ही खूबसूरत इंडस्ट्री है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसी के लिए बता रहे हैं आपके लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है। अगर इंडस्ट्री को आप अगर सही समय पे सही डिसीजन ले लिए, आपका भविष्य, आपका जनरेशन का भविष्य, आपका आने वाला पीढ़ी, कई पीढ़ियां का भविष्य बदलने वाला है, उसी के तरह आगे बढ़ेंगे तो, या द इकोनॉमिक्स टाइम के अनुसार देखा गया तो कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में भारत में बेरोजगारी दर 24% से ज्यादा, ये इकोनॉमिक टाइम्स बता रहा है कि कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में भारत में बेरोजगारी दर 24% से ज्यादा है। भैया रोजगार किसको चाहिए? यूथ को चाहिए, नौजवान को चाहिए, 60 बरस के लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, हमें यूथ को चाहिए। और रोजगार है ही नहीं इंडिया में, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई क्रिएट कर सकता है, अगर दुनिया में सारे आदमी को रोजगार कोई दे सकता है, दुनिया का कोई इंडस्ट्री और नहीं है, सिर्फ अगर कोई इंडस्ट्री है तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है जो दुनिया का हर एक आदमी को जॉब दे सकता है, हर एक आदमी को रोजगार दे सकता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कोरोना के तूफान में गई नौकरियां, घर पर ना राशन है ना बच्चे के लिए दूध है। देखिए नौकरी का हाल, कोरोना के पहले नौकरी वाले बोलते थे नौकरी तो बढ़िया, दुनिया में कोई चीज नहीं है। जब मैंने भी जब डीएक्सएन ज्वाइन किया था 2015 में, तो हमें भी पहले सब मजाक उड़ाता था, इतना बढ़िया पढ़ने में तेज है, आईआईटी क्वालिफाई है, इंजीनियरिंग करता, नौकरी करता, नौकरी करने वाला को तो मान सम्मान सब कुछ मिलता है, पढ़ना लिखना छोड़ करके ये चाय बेचता है गली गली जाकर के। भैया आज देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के घर में दूध नहीं मिल रहा है बच्चा को, राशन नहीं है कि जॉब करने वाला का दूध नहीं मिल रहा है बच्चा को। मेरे घर में तो कोई ऐसा महीना नहीं है लॉकडाउन में, कोरोना क्राइसिस में, जिस महीना में लाखों रुपया महीना नहीं आया, कोई ऐसा दिन नहीं होता है, कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन मेरा 1.5 लाख 2 लाख पीबी डेली नहीं बढ़ता है। कोरोना क्राइसिस में भी 1.5 लाख प्रतिदिन पीबी इंक्रीज होता था, कोरोना क्राइसिस में लॉकडाउन के समय में 1.5 लाख पीबी बढ़ जाता था। आप खुद सोचिए कोरोना वायरस लॉकडाउन, हिंदुस्तान लाइव क्या लिखता है, कोरोना वायरस लॉकडाउन की मार से देश में 13.6 करोड़ नौकरियां पर खतरा। देख लीजिए जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह है 13.6, यानी 13.5 करोड़ से ज्यादा नौकरी खतरा पर है, यानी 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो नौकरी कर रहे हैं उनका नौकरी खतरा पर है। कब जाएगा, कब उसको नौकरी से भगाएगा जो कोई मालूम नहीं है, आप खुद सोच सकते हैं इतना बड़ा प्रॉब्लम है।
आईएलओ के अनुसार, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 18.9 मिलियन पीपल्स आर जॉबलेस इन इंडिया, 18.9 मिलियन पीपल्स आर जॉबलेस इन इंडिया। इतना मिलियन लोगों का जॉब ही नहीं है भारत में। उसके बाद अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका एक ब्यूरो देखे तो कोविड-19 एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क 45 मिलियन जॉब्स हैव बीन लॉस्ट, 45 मिलियन नौकरी चला गया, यूथ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई, युवाओं का बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इन अफ्रीका इनफॉर्मिटी इन 93.4% इन अफ्रीका में वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा यही। 72 मिलियन चिल्ड्रेन आर एस्टिमेट टू बी द वर्किंग डिफिकल्ट अफेक्टेड रियल पीपल्स, एक आईएलओ रीजनल डायरेक्टर ऑफ अफ्रीका से है ये रिपोर्ट। आप ये खुद सोच सकते हैं, अब ये अगर जॉब का ये हालात है, प्लस अगर किसी का, अगर चलिए कोई बात नहीं है जॉब में अगर कोई है भी, चलिए आपका अगर जॉब सुरक्षित रह भी गया, अगर जॉब आपका बच भी गया, नहीं तो अगर आप जॉब ले भी लिए, कितना लोग अभी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हम आपको जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा सा अंतर समझाते हैं। कुछ लोग जॉब सर्च कर रहे हैं और कुछ लोग कर भी रहे, थोड़ा सा हम अंतर समझाते हैं। जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग में अंतर क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए, नौकरी करने के लिए तो आपको एक उम्र सीमा होता है, अगर उम्र पार हो जाएगा तो फिर नौकरी करना मुश्किल है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में है कि 18 बरस से लेकर के कोई भी उम्र में तो आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। नौकरी करने के लिए एक डिग्री हर हाल में होना चाहिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, डिग्री है तो भी चलेगा, नहीं डिग्री है तो भी चलेगा। अगर आपको नौकरी करना है तो अनुभव होना बहुत जरूरी है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करना है कोई अनुभव के जरूरी नहीं है, तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। अगर आपको कंपटीशन अगर देखा जाए तो जॉब में रोज कंपटीशन बढ़ रहा है, बहुत सारे हमारे यूथ हैं जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए दिन रात नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। भैया दिन प्रतिदिन कंपटीशन आए होते जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी और जाता जा रहा है, सरकार के पास नौकरियां कमते जा रहा है, कंपटीशन दिन प्रतिदिन और बढ़ेगा, इसी के लिए रोज बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर देखा जाए कोई चांस नहीं है कंपटीशन का, और अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है और मोटिवेशन बढ़ रहा है। अब तो और आसान हो गया है, अब तो नेटवर्क मार्केटिंग करना और आसान हो गया है। आप खुद सोचिए, हर दिन 7 बजे शाम में डीएक्सएन आरबीसी यूट्यूब चैनल पे एक से बढ़कर के एक लीडर, स्पीकर, ट्रेनर 7 बजे आपके बीच में आ रहे हैं। आज से 5 बरस पहले हम लोग इस तरह की ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए 4,000-5,000 रुपया पैसा खर्च करके कैंप में जाते थे, एक हजार किलोमीटर दूरी तय करके जाते थे सीखने के लिए, पैसा भी खर्च होता था, समय भी लगता था, उतना दूर ट्रेवल करके भी जाते थे, जो कि आप लोगों के घर में बैठे हुए फ्री में मिल रहा है। प्रोफेसर सर को देखने के लिए एक बरस दो बरस क्या कितना दिन तक मिलते नहीं थे। और आप सभी लोगों, हम अब तो बहुत ही आसान है, अब तो इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बन चुका है, हम सभी लोगों को प्रोफेसर सर डेली मिलते हैं, डेली 7 बजे सीरियल चालू हो जाता है, 7 बजे चालू हम सभी के घर में, मोबाइल खोलिए चालू। अब तो इतना आसान हो गया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, घर से बैठ करके फ्री में ट्रेनिंग ले सकते हैं और आप मार्केट को बूस्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। नौकरी सालों साल तैयारी करना पड़ता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिना कोई तैयारी का भी ज्वाइन कर सकता है, सारा कुछ यहां ट्रेनिंग मिलेगा आपको। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आपको सारा ट्रेनिंग यहां पर आपको मिलेगा, कैसे आप डीएक्सएन में अपना जिंदगी बदलेंगे, कैसे आप यहां पे अमीर बनेंगे, कैसे आप एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे, आपको यहां सारा ट्रेनिंग दिया जाएगा।
नौकरी और नेटवर्क मार्केटिंग में अंतर अगर देखा जाए तो बहुत ही कम समय में आप सभी हमको एक्सप्लेन करेंगे इसको, जॉब वर्सेस एमएलएम। अगर नेटवर्क मार्केटिंग और जॉब में अगर अंतर देखा जाए नौकरी में, तो नौकरी में आपको 8 से 10 घंटा समय देना पड़ता है डेली, हर मौसम में, चाहे गर्मी रहे चाहे ठंडा रहे चाहे बरसात रहे, आपको डेली जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, जाना ही है तो जाना है। ठंडा में भी जाना पड़ेगा, गर्मी में भी जाना पड़ेगा, बरसात में भी जाना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में 8 से 10 घंटा आपका सुविधा अनुसार, अगर आपके पास समय है तो जितना समय दे सकते, आप सुविधा अनुसार अपना समय निकाल सकते, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आपको नौकरी में है तो आपको 8 से 10 घंटा तो देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क नौकरी में आप समय बेच करके पैसा कमाते हैं, आपने समय को बेच दिया है, आपको वो 8 से 10 घंटा देना ही पड़ेगा, तब आपको तनख्वाह मिलेगा, सैलरी मिलेगा, क्योंकि आपने उतना समय बेच दिया है। वो समय ना तो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, ना तो अपनी पत्नी को दे सकते हैं, ना अपने मम्मी पापा को दे सकते हैं, आप समय बेच दिए क्योंकि आपके ऊपर बॉस है। तो नौकरी में कठिन मेहनत करना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट काम है ये। उसके बाद नौकरी शारीरिक कार्य है, नेटवर्क मार्केटिंग ये माइंड का काम है, ये दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग का इस्तेमाल होता है। नौकरी में इनकम भी अगर देखा जाए तो सीमित इनकम है। अगर आप 50,000-30,000 की सैलरी पे अगर आप कहीं पर जॉब में ज्वाइन कर गए, जीवन में कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि हमको 1,00,000 रुपया कभी सैलरी मिलेगा। 30,000 का सैलरी से कभी 1,00,000 रुपया कब जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में असीमित इनकम है। आज से 5 बरस पहले मेरा भी इनकम 500 रुपया भी नहीं था, आज यहां पहुंच गए, तो असीमित इनकम है। आने वाला समय में यहां से करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है नौकरी से। यह सबसे बड़ा जगह है ये। ये आज से पहले जब मैंने जब डीएक्सन ज्वाइन किया था तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था मेरे गुरुजी, मेरे गुरु माता पिता सुरेंद्र सर धर्मशीला मैम, हमसे ये पहला क्वेश्चन, ये दिन वो भी याद है हमें, जीवन में कभी भूल नहीं सकते थे जब हमसे वो पूछे थे, कुंदन जी आप पढ़ लिख करके क्या करना चाहेंगे। हम बोले सब लोग पढ़ लिख करके नौकरी बनना, नौकरी करना चाहता है, हम भी वही करेंगे। तो हमें वो बोले थे आप अपना जरूरत पूरा करना चाहते हैं कि आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। मेरा यही जवाब मिला था। हम बोले थे हर कोई चाहता अपना सपना पूरा करना, लेकिन बोले थे आप जो करना चाह रहे हैं क्या वहां से सपना पूरा हो सकता है। वो हमें एक ही चीज बताए थे, अगर आप जो करने जा रहे हैं ना, नौकरी से सिर्फ जरूरत ही पूरा हो सकता है, सपना कभी नहीं पूरा हो सकता है। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तब आपको नेटवर्क मार्केटिंग ही करना पड़ेगा, डीएक्सएन ही करना पड़ेगा। उस दिन मेरा ये ब्रेन खुल गया और मैंने निर्णय ले लिया आईआईटी में नहीं जाएंगे, आईआईटी नहीं, अब हमें एक इंजीनियर नहीं बनना, एक हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है और हमें यहां से लाखों करोड़ों रुपया कमाना है। और मैंने उसी दिन से फुल टाइम डीएक्सएन को करना शुरू किया और हम आज आपके सामने। नौकरी से सिर्फ जरूरत ही पूरा हो सकता है, सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। सपना पूरा तो डीएक्शन में होता है। सीमित इनकम है, यहां पे असीमित इनकम है। नौकरी में सोच करके भी किसी को मदद नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ये मदद करने का ही बिजनेस है। यहां पे दूसरे को मदद करने का मौका मिलता है, समाज को सेवा करने का मौका मिलता है, दूसरे लोगों को मदद करने का मौका मिलता है। जब हम दूसरे लोगों को मदद करते हैं तो लोगों का दुआ आशीर्वाद मिलता है, पैसा तो बाई प्रोडक्ट मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई पैसा के लिए काम नहीं करता है, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, पैसा तो अपने आप मिलता है। जब हम लोगों को मदद करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को भलाई करते हैं तो पैसा हमें बाई प्रोडक्ट मिलता है, पैसा तो अपने आप मिलता है। पैसा आज सर धर्मशीला मैम और सुरेंद्र सर को आज वो घर पे हैं, उनको आज ना जाने कितना पैसा आ रहा है। बस क्यों पैसा आ रहा है? बाई प्रोडक्ट आ रहा है। आज वो महीनों दिन एक भी कभी भी वो फील्ड में नहीं जाते मीटिंग करने के लिए आज, लेकिन शुरुआत में उन्होंने गया गांव को, कई गांव में जाकर के भी मीटिंग किए। आज उनको एक दिन भी गांव में मीटिंग नहीं करते फिर भी पैसा क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने मेरे जैसा कई हजार लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया, हम सभी लोग कई हजार लोगों को ट्रेंड किए, कई लोगों को जीवन में खुशियां लाने का काम किए। उनके पास आज
हम लोगों की दुआएं उनके साथ है। ना जाने मेरे जैसा कई लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया, जिसके कारण से आज उनके घर में बाई प्रोडक्ट पैसा जा रहा है, तो आज उनको जा रहा है, फिर हमें आ रहा है, कल आप सभी को मिलेगा। ये तो बाई प्रोडक्ट है, ये सिस्टम है, सबको मिलने वाला है। एक्टिव इनकम आपको वहां से नौकरी में एक्टिव इनकम मिलेगा, लेकिन यहां पे दैट पैसिव इनकम, रेसिडुअल इनकम। जॉब में क्या, जब तक आप एक्टिव रहेंगे तब तक पैसा मिलेगा, एक जॉब पे जाना बंद पैसा बंद, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम, रेसिडुअल इनकम। लॉकडाउन में घर में भी है पैसा चालू है, एक्टिव नहीं भी है आराम में भी है फिर भी पैसा चालू, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जनरेशन टू जनरेशन पैदा आएगा। नौकरी कोई ज्यादा बड़ा पहचान नहीं मिलेगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पूरे दुनिया में पहचान मिलेगा। अभी देखिए प्रोफेसर सर को पूरे दुनिया में जानता है, 200 से ज्यादा देशों में उनका बिजनेस है। धर्मशीला मैम सुरेंद्र सर को पूरे दुनिया में जानता है, वो इंटरनेशनल स्पीकर है। आज उन्होंने क्राउन एम्बेसडर डीएक्सएन के सबसे सर्वोच्च पद पे फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर है, उन्होंने वो करके दिखाया जो आज तक नहीं किया था डीएक्सएन इंडिया में। तो वो सभी चीजें हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है, हर एक यूथ के पास वो अपॉर्चुनिटी है जो दुनिया में एक अलग पहचान बना सकता है, सबके पास है, लेकिन एक अब जॉब से आप सीमित पहचान बना सकते हो। प्लस अगर आप कोई भी जॉब भी कर रहे हैं ना, अगर आप जॉब कर रहे हैं अगर सडनली आप अगर अपना जॉब को नहीं छोड़ सकते, तो आपको आपका जॉब में जितना सैलरी मिल रहा है ना, वो सैलरी से आपका बढ़िया से लाइफ स्टाइल चलने वाला नहीं है, बढ़िया से जीवन चलने वाला नहीं है। आप अगर वो जॉब कर रहे उससे बढ़िया से जीवन चलने वाला नहीं है, आप उससे एक अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते, आप अपना सारा सपना पूरा नहीं कर सकते। आप अगर जॉब में हैं तो आपको उसके साथ आपको एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम को भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। जब तक आप एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के नहीं चलेंगे, तो जितना आपके जॉब में सैलरी है उस सैलरी से आप अपने जीवन को यापन बढ़िया से खुशनुमा जिंदगी नहीं जी सकते। आपको एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के चलना ही पड़ेगा। जब तक आप एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के नहीं चलेंगे, जब तक आप अपने जीवन को खुशनुमा जीवन, आप अपने जीवन को जिंदगी को सपना में नहीं बदल सकते। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से ज्यादा बढ़िया कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हो ही नहीं सकता। आप इसे पार्ट टाइम में भी शुरू कर सकते हैं, पार्ट टाइम बिजनेस विद फुल टाइम एटीट्यूड। आप पार्ट टाइम बिजनेस के साथ शुरू करिए और फुल टाइम एटीट्यूड के साथ, लेकिन पार्ट टाइम के साथ शुरू करिए, लेकिन एटीट्यूड बना के रखना है कि हमें फुल टाइम हो जाना है, एक दिन हमें फ्रीडम चाहिए, एक दिन हमें आजाद हो जाना है। एटीट्यूड वही बना करके रखना है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं किंग बनना है तो आपको किंग, जंगल का राजा किंग शेर क्यों है, क्योंकि उसका एटीट्यूड ऐसा है। और राजा इसलिए क्योंकि उसका एटीट्यूड सही है। एटीट्यूड इसी के लिए माना गया, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एटीट्यूड ही सब कुछ है। इसी के लिए आपको अभी निर्णय लेना पड़ेगा, आपको एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचना पड़ेगा। और सेकेंडरी सोर्स ऑफ, जो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं वो जॉब में हैं, अभी सडनली वो जॉब को नहीं छोड़ सकते। अगर सडनली अभी उनको घर में बहुत सारे लोन होंगे, ईएमआई होंगे, बच्चे का स्कूल की फी देने होंगे, बहुत सारे ये वो सब होंगे, तो आप सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से बढ़िया दुनिया में कोई बिजनेस नहीं हो सकता है, इसको पार्ट टाइम लेकर के शुरू कर सकते हैं। आपको एक घंटा डेली समय दीजिए, दो घंटा डेली करिए, लेकिन हाँ पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करिए विद द फुल टाइम एटीट्यूड। पार्ट टाइम बिजनेस विद द फुल टाइम एटीट्यूड, आपका आने वाला एक से दो वर्ष, तीन वर्ष के अंदर में आपको जॉब से फ्रीडम जरूर मिलेगा। कई लोगों को फ्रीडम मिल चुका है, बिहार शरीफ में कई ऐसे लोग हैं, कई लोग बिहार पुलिस में थे, कई लोग सैनिक स्कूल में टीचर्स हैं, कई लोग इंजीनियर्स थे, उन्होंने क्यूट कर दिया जॉब को,
आज वो फुल टाइम है, उन्होंने पार्ट टाइम शुरू किया, पार्ट टाइम बिजनेस विद द फुल टाइम एटीट्यूड। आज वो जॉब से फ्रीडम है, जॉब से आजाद है, उनके ऊपर कोई बॉस नहीं है और वो लाखों रुपया महीना डीएक्सएल में कमा रहे। आप भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम इसको लेकर के चल सकते। उसके बाद सभी उबार और हमारा सभी यंगस्टर से आज का ये सेशन के में आपके सब को हम बताना चाहेंगे, सभी युवाओं के सामने आज प्रश्न चीज है उनके कैरियर के बारे में। उनके सामने दो विकल्प है, सभी यंगस्टर के सामने, उनके सामने दो विकल्प है। वो दो विकल्प कौन सा है आपको दिखाना चाहते हैं, वो दो विकल्प। फर्स्ट, पहला विकल्प है रैट रेस। रैट रेस आप देख रहे हैं कैसा भाग रहा है, रेस रेस। राइट रेस मतलब रन अकॉर्डिंग टू टाइम, रन अकॉर्डिंग टू टाइम। उनको 60 बरस की आयु तक राइट की रेस में फंसना चाहिए और 60 बरस के बाद नाम मात्र की अनिश्चित पेंशन के लिए प्लान करना चाहिए। अनिश्चित प्लान इसलिए क्योंकि धीरे धीरे कई देशों में पेंशन खत्म किया जा रहा है, कई देश में तो खत्म हो गया है, आई धीरे 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 सब देश में खत्म हो जाएगा। आपको निर्णय लेना है क्या करना है, राइट रेस में फंसना है कि क्या करना है। 60 बरस की आयु तक रन अकॉर्डिंग टू टाइम की रेस में फंसना चाहिए और 60 बरस के बाद नाम मात्र की अनिश्चित पेंशन के लिए प्लान करना चाहिए। आपको पेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए? आप कुछ ऐसा टीम बिल्ड कर दीजिए, आपको इतना पेंशन मिले। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या है, आपको ये निर्णय लेना, रेट रेस में रहना है या रिटायर्ड 18 बरस के उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करके 10 बरस में रिटायर हो जाना। मेरे जैसा देखिए, मैंने क्या किया, 19वें बरस में डीएक्सएल को शुरू किया, 20वें बरस में मिलेनियर बन गया और 24वें 25वें बरस होते होते मैंने रिटायर भी ऑलरेडी, अगर देखा जाए तो अभी मेरे पास इतना इनकम है कि मैं, मेरे पास इतना बड़ा टीम है कि मैं, मेरे जीवन अगर देखा जाए तो बढ़िया से अभी चल सकता है, लेकिन अगर मैंने 1-2 साल और एफर्ट लगा दिया तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं। आपको निर्णय लेना है, रैट रेस में भागीदार बनना है या 18 बरस की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करके 10 बरस में रिटायर्ड 20 के बारे में सोचना चाहिए और पूरी जिंदगी भर स्वास्थ्य समृद्धि एवं सुखशाली के पथ पर बढ़ना चाहिए। आप क्यों नहीं सोचते हैं? एक ऐसा है, इंडस्ट्री में ज्वाइन करें और कुछ बरस काम करके, 2-4-5 बरस काम करके हम रिटायर ले लें, जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत ना। आपको निर्णय लेना है, जिंदगी भर काम करना है या 2-4-5 बरस काम करके 5 बरस में रिटायर हो जाना। 5 बरस 10 बरस कोई आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में अगर काम कर दे तो उसको काम करने की जरूरत नहीं है फिर जीवन में, क्योंकि 5 बरस 10 बरस में इतना बढ़िया नेटवर्क, मेरे पास अगर देखा जाए तो 55,000 से ज्यादा लोगों की टीम है, 55,000 से ज्यादा लोगों की टीम मेरे पास है, 50 से ज्यादा डायमंड्स हैं, 1500 से ज्यादा स्टार रेजेंट, 70 से ज्यादा स्टार रूबी, ये इतने बड़े लोगों का नेटवर्क मेरे पास है। आने वाला समय में लाखों लोगों का नेटवर्क धीरे धीरे बिल्ड होगा, तो ये सभी सीधा आपको ये प्लान करना होगा। और निश्चित रूप से आज के युवाओं को समझ में आ गया है कि बेहतर जीवन के लिए, धीरे धीरे सभी लोगों को समझ में आ गया है बेहतर जीवन के लिए नेटवर्क मार्केटिंग ही सबसे अच्छा विकल्प है, इससे अच्छा विकल्प दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता है, इससे बढ़िया लाइफस्टाइल आपको जीवन में कहीं मिल ही नहीं सकता कोई प्लेटफॉर्म पे। यह फुल प्रूवन है, अब इसको प्रमाणित करने का जरूरत नहीं है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, प्रूव्ड हूं, प्रमाणित हूं, मैंने 5 वर्षों के अंदर में वो सभी चीजें हासिल किया है, 5 वर्ष के अंदर में हमें सभी कुछ मिला,
रिकॉग्निशन मिला, पैसा मिला, सेहत मिला, दौलत मिला, सब कुछ मिला, प्यार मिला। आप खुद सोचिए, आज इतना 24 वर्ष के उम्र के लोगों को कितने, आज कितना बढ़िया खुश नसीब है हम। प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, प्रोफेसर HOD डबल गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर बासुपाल सर, डबल गोल्ड मेडलिस्ट, उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलता है, स्टेज शेयर करने का मौका मिलता है। सादर चरण स्पर्श करते हैं सर को। डॉक्टर एस रंजन सर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, पर्सनल फिजिशियन प्रेसिडेंट ऑफ, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के कई भूतपूर्व राष्ट्रपति के डॉक्टर रह चुके हैं। उन सभी ग्रेस पर्सनालिटी के साथ हमें स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलता है, स्टेज शेयर करने का मौका मिलता है। बड़े बड़े डॉक्टर, प्रोफेसर, इतने बड़े हाई प्रोफेशन लोगों के साथ इतना छोटे से उम्र में हमें स्टेज शेयर करने का मौका मिलता है, स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलता है। ये दुनिया के कौन ऐसा इंडस्ट्री है जो HOD डबल गोल्ड मेडलिस्ट, ये सभी हाई प्रोफाइल लोगों के साथ आपको मौका दे सकता है? कहीं नहीं, दुनिया का एक ही इंडस्ट्री है और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। बस आपको कुछ पैसेंस रख करके आगे बढ़ने का जरूरत है। उसके बाद अगर देखेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेलियर इन लाइफ। दो जीवन में फेल होने का दो ही तरीका है, दो ही प्रकार है, दो ही तरीके इस प्रकार से आप फेल हो सकते हैं। वो है दो तरीका, ये मत हम आपको बताना चाहेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेल्योर इन लाइफ। वन फेल्योर इज ड्यू टू पुअर माइंडसेट। फेल होने का जो पहला टाइप है, पहला कारण है पुअर माइंडसेट। अगर पुअर माइंडसेट रखिएगा, दिस टाइप ऑफ पीपल कैन नॉट गेट सक्सेस इन एनीवेयर। पुअर माइंडसेट रखने वाला आदमी, माइंडसेट को आपको सही रखना पड़ेगा। पुअर माइंडसेट रखने वाला आदमी डिएक्शन क्या, दुनिया में कहीं भी सफल नहीं हो सकता है। दुनिया में फेल होने का दो ही तरीका है जीवन में। वन फेलियर इज ड्यू टू पुअर माइंडसेट, एंड दिस टाइप ऑफ पीपल्स कैन नॉट गेट सक्सेस इन एनीवेयर। और जिसका माइंडसेट पुअर है, गरीब है, छोटा है, जिसका छोटा सोच है, माइंडसेट से पुअर है, वो कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकता। डिएक्शन तो छोड़ दीजिए, दुनिया में किसी भी जगह नहीं सक्सेस हो सकता। एंड सेकेंड टाइप ऑफ फेलियर इज ड्यू टू बैड लक। दूसरा फेल होने का जो कारण है बैड लक। दिस टाइप ऑफ पीपुल कैन, सॉरी ये यहां पे कुछ, दिस टाइप ऑफ पीपल कैन गेट सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग इफ दे अडॉप्ट रिच माइंडसेट। This type of people can get success in network marketing if they adopt rich mindset. अगर किसी आदमी का अगर लक भी खराब है, अगर उसका सोच, अगर माइंडसेट रिच माइंडसेट का आदमी अगर है, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकता है। यानी कि अगर आपको जीवन में सफल होना है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफल होना है, तो आपको माइंडसेट को रिच करना पड़ेगा, माइंडसेट को सही करना पड़ेगा। जब तक आप माइंडसेट सही नहीं करेंगे, माइंडसेट क्लियर नहीं करेंगे, विजन क्लियर नहीं करेंगे, आपको अमीर बनना है, आपको जिंदगी में बदलाव लाना है, आपको सपना पूरा करना है, आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको माइंडसेट जरूरी है क्लियर करना। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर देखा जाए, दिस इज द ओनली इंडस्ट्री विच गिव्स सेकेंड चांस टू एवरी यूथ। अगर देखा जाए तो कोई भी इंडस्ट्री दुनिया में नहीं है जो जीवन बदलने के लिए दोबारा मौका देता है।
दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री खोज लीजिए, कोई भी इंडस्ट्री नहीं मिलेगा, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जो कोई भी यूथ को, कोई भी युवाओं को जिंदगी बदलने का दूसरा चांस देता है। दिस इज द ओनली इंडस्ट्री विच गिव सेकेंड चांस टू एवरी यूथ इफ ही हैज फेल्ड एवरीवेयर। अगर आप कहीं भी फेल हो गए हैं तो यह इंडस्ट्री आपको दोबारा चांस देता है जिंदगी बदलने के लिए सफल होने, दोबारा चांस देता है। किस लिए चांस देता है? टू रिट्रेन हिमसेल्फ, अपने आप को दोबारा ट्रेंड करने के लिए, टू रिक्लेम अनदर चांस, दोबारा एक चांस क्लेम करने के लिए, टू रीथिंक अबाउट हिज ड्रीम अगेन, अपने ड्रीम को दोबारा फिर से सोचने के लिए आपको एक बार और मौका देता है, एक बार और मौका देता है अपने सपना के बारे में सोचने के लिए, फिर से सोचने के लिए मौका देता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक बार और आपको मौका दे रहा है आपको फिर से अपने बारे में, अपने सपने के बारे में सोचने के लिए कि आप क्या बनना चाहते हो। आप अमीर बनना चाहते हैं, आपको फिर से इंडस्ट्री आपको मौका दे रहा है, आपको जिंदगी बदलने का एक और मौका इंडस्ट्री दे रहा है। दुनिया का एक अकलौता इंडस्ट्री है जो आपको सेकेंड चांस देता है सभी युवाओं, दुनिया का कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जो सेकेंड चांस देता है। टू रिसीव हिज लाइफ अगेन, टू रिवाइव हिज लाइफ अगेन, अपने जीवन को रिवाइव करने के लिए दोबारा मौका देता है। नो अदर इंडस्ट्री कैन गिव हिज चांस टू एनी यूथ, दुनिया में कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जो दोबारा मौका देता है किसी भी युवाओं को जिंदगी को बदलने के लिए। एक ही इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा इंडस्ट्री है जो आपको दोबारा मौका देता है अपने आप को रीट्रेन करने का, अपने आप को एक बार फिर से रिक्लेम करने का, फिर से अपने सपना के बारे में सोचने का, फिर से अपने जीवन को दोबारा रिवाइव करने का। दुनिया का एकलौता इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। उसके बाद आप सभी का अगर सपना है, आप ही बताइए सपना ज्यादा किसके पास होना चाहिए। ज्यादा सपना युवाओं के पास है, आपके पास सपना है कि नहीं है? अच्छा, आपको हमें यह बताइए, सपना नहीं है तो आज सपना जगा लीजिए। अगर सपना नहीं है तो मेरे पास तो सपना है, अभी भी बहुत सारे सपना हैं, बहुत सारे सपना ऑलरेडी पूरा हो चुका है। शुरू में सपने देखने में डर लगता था, जब धर्मशिला मैम और सर बोलते थे कुंदन जी आपके पास भी कार आएंगे, आप भी विदेश जाएंगे, आप भी हवाई जहाज से जाएंगे, सपने तो मैं पहले भी देखता था लेकिन लगता था नहीं वो पूरा होगा। क्योंकि मैंने जब 10th पढ़ा, जब हायर एजुकेशन के लिए बिहार शरीफ आया तो मेरे दिमाग में बड़ी बड़ी ख्याल आया। जब मैंने कॉलेज में गया, मेरे कॉलेज में अमीर अमीर दोस्त के, अमीर अमीर घराने से मेरे दोस्त हुए, उनके पिताजी अमीर थे, मेरे पिताजी तो एक छोटा सा इनकम था उनका, तो मेरे भी बहुत सारे न्यूज में टीवी में पढ़ने के बाद मेरा भी सपना देखने थोड़ा सपना करता था हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े, कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़े, दुनिया में दूसरे देश में यूके में, कनाडा में, लंदन में जाकर के पढ़ाई करें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना एक बार जगा, कभी एक बार कैम्ब्रिज में जाने का भी सपना जगा, लेकिन कभी कभी लगता था यार मेरे पिताजी का तो 5,000, 6,000, 10,000 का इनकम है, एक छोटा सा, आपको मालूम है मेरे पिताजी कई तरह के काम किए, छोटा सा कंपाउंडर रहे, मेडिकल में काम किए, फिर बाद में वो खेत गांव में जमीन था, खेती बाड़ी में लग गए, तो इस बैकग्राउंड से हम थे। लेकिन मेरा सपना था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़े, कैम्ब्रिज में जाएं, लेकिन मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं था मेरे पिताजी का, लेकिन मेरा सपना था। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक ऐसा इंडस्ट्री मिला अभी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, कि मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं गया, मैंने कैम्ब्रिज को नहीं गया, लेकिन मैं अपने आने वाले जनरेशन को हायर एजुकेशन के लिए मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेज सकता हूं, कैम्ब्रिज भेज सकता हूं, अगर वो पढ़ना चाहे तो हायर एजुकेशन के लिए। आप खुद ये सोच सकते हैं, वो पढ़ लिख करके कोई, देखिए पढ़ लिख करके कोई आज जरूरी नहीं कि वो जॉब करे। तो आपको ये हम बता दें, ड्रीम होना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। मैं ऊपर वाले को बहुत ही
शुक्रगुजार हूँ और सादर चरण स्पर्श करता हूँ अपने सभी अपलाइन और गुरुओं का, और डीएक्सएल के प्लेटफॉर्म बनाने वाले डॉक्टर लिम सियोजिन का। इतना वंडरफुल प्लेटफॉर्म बनाए, आज हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं हम। आज दुनिया मेरा, आज हम पूरे दुनिया, मेरा सपना है ट्रेवल करने का, जरूर एक दिन पूरा दुनिया घूमेंगे, कोई नहीं रोक सकता। मैंने इतना 5 वर्षों के अंदर में मलेशिया, इंडोनेशिया, अभी दुबई इसी साल जाने वाले हैं, इस दिन सारे देशों को ट्रेवल कर रहे हैं, कोई देश नहीं। अभी तो मेरा इतना छोटा सा उम्र है। तो आप सभी लोग, तो आप सभी के पास अगर सपना है नहीं तो सपना जगाइए, आप हमें बताइए। अगर सपना नहीं हो सपना बनाए, आप हमें बताइए। अच्छा, आपके पास खूबसूरत बंगला है कि नहीं है, चाहिए या नहीं चाहिए? जरूर चाहिए। आप हमें ये बताइए, ये कार मर्सिडीज, जगुआर, आपका बीएमडब्ल्यू, ये चलाने में कब मजा आएगा? 25 वर्ष में चलाने में मजा आएगा कि 75 वर्ष में मर्सिडीज चलाने में? अगर आपके पास जवाब है, राइट डाउन 25 ईयर्स, राइट डाउन मैसेज में राइट करिए। मर्सिडीज चलाने में, बेंच मर्सिडीज बेंच जगुआर बीएमडब्ल्यू चलाने में कब मजा आएगा, 25 वर्ष में या 75 वर्ष में? सभी का मैसेज 25 वर्ष में। आप हमें बताइए, फॉरेन ट्रिप फ्री में, विदेश यात्रा पे जाने में मजा कब आएगा? अभी आपको बता दे, जब भी हम फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, फुल डे इंटरटेन, मजा करते, एंजॉय करते, 7 दिन 10 जो भी जितने दिन का ट्रिप होता है पूरे में मजा रहते हैं। उसी दिन हमें याद आता, अगर आईआईटी में अगर होते हम आईआईटी करके आते तो मैं भी हो सकता है इतने दिन हमें इतने बढ़िया ग्रुप में, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ, इतने बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटी के साथ हमें इतने कुछ करने का मौका नहीं मिलता। तो आप हमें इंज इतने पूरे विश्व भर में मान सम्मान आपको एक यूथ होज में मिलेगा हर महीने आपको, वो मैं भी हो सकता है हवाई जहाज का सफर करने का मौका मिलेगा। आपको ये निर्णय लेने की जरूरत है। अगर आपके पास सपना नहीं है तो आपको आज सपना जगाने की जरूरत है। मजा कब आएगा मर्सिडीज जगुआर चलाने में, मजा कब आएगा? आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि हम तो निर्णय, मेरे पास, मैंने डिसीजन बदला, ये मेरे पास सब है, घर भी मेरे पास खूबसूरत है, कार भी मेरे पास खूबसूरत है, मेरे पास 2-2 कार है ऑलरेडी 10 लाख से ऊपर का, मैं विदेश फ्री में विदेश यात्रा भी कर चुके हैं। तो ये सभी चीजें, अब हम आप, हमें मिल चुका है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हर, आप अगर आप बिजनेस अपना भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं, अपना जनरेशन को भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं, अपना सारा सपना अगर यहाँ पूरा करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बेहतर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। अगर आप फ्यूचर अगर देखें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर है। अगर डायरेक्ट सेलिंग रिटेल सेल्स ग्रोथ देखेंगे 2015 में, ये तो सडनली इंक्रीज हुआ है। 2015 में 183.6 बिलियन यूएसडी डॉलर, 2016 में 187 बिलियन डॉलर, 190 बिलियन डॉलर, 2018 में 192.193 बिलियन डॉलर। यानी ये धीरे 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 क्या हो रहा है, सडनली छलांग मारते जा रहा है। तो आप ये खुद सोच रहे हैं, आप जिस इंडस्ट्री में है, ये चढ़ने वाला इंडस्ट्री है, ये रुकने वाला इंडस्ट्री नहीं है, और इससे तेजी से बढ़ने वाला कोई इंडस्ट्री नहीं है। 118.4 मिलियन पीपल्स इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इतने, और बढ़ने का भी आप देखिए, 104 मिलियन, 113 मिलियन, 116 मिलियन, 118 मिलियन पीपल्स। आप इतने ग्रोथ के साथ ये सभी, आप एज वाइज देखेंगे तो 20% लोग 25 से 34 वर्ष में लोग हैं, और 35 से 44 वर्ष के लोग अगर देखेंगे तो 26 वर्ष लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, 24 वर्ष लोग, इसने 22% लोग हैं जिनका उम्र 55 वर्ष से ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इज एन एंट्री वे इनटू द कोलैबोरेटिव इकोनॉमी ऑफ मिलेनियल्स एंड द बेबी बूमर्स अलाइक। इन 2019 मिलेनियल्स आर 23 to 38 ईयर ओल्ड एंड बेबी बूमर्स आर 15 to 75 ईयर्स ओल्ड। 75% वुमेन एंड 26% मेन, 74%। ये सभी डाटा जो है अकॉर्डिंग टू WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, के अनुसार पूरे दुनिया में 74% महिलाएं हैं और 26% पुरुष हैं इस इंडस्ट्री में सक्सेस हैं। और अगर आप
टॉप 10 मार्केट्स अगर आप देखेंगे दुनिया में, तो सबसे पहले नंबर पे अगर ये टाई अप है अगर देखा जाए, तो एक नंबर पे #1 द यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना टाई फॉर नंबर वन पोजीशन पे। दो देश है टॉप 10 मार्केट अगर देखेंगे 2000 सेल्स रिपोर्ट इन 2018 के अनुसार, तो दो मार्केट नंबर वन पे चाइना अगर देखा